हमने कहीं कुछ आते प्रभाकर भाई Yes.
ఇక్కడ పెట్టడం జీవితం పేరు పెట్టి
चूसकर पुराने शहर के इन इलाकों में भी ये वबा तेजी के साथ फैल रही है। हुकूमत की जानिब से जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, बराबर हुकूमत पूरी तरीके से पूरे इखलास के साथ काम कर रही है। हुकूमत के जितने भी महकमेजात हैं वो लोग भी रात और दिन मेहनत करते आ रहे हैं। मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है कि आप लोग भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए, क्योंकि मैं भी इसी इलाके के अंदर रहता हूँ, खासकर इन बस्तियों के अंदर यहाँ के रहने वाले लोग जो इस मर्ज को नहीं समझ रहे हैं। ये मर्ज इतना तेज़ी से फैलता है कि जब ये मर्ज आपको लग जाता है तो दो दिन के अंदर बड़ा अल्लाह ना करे आपके ऊपर बड़ा तेज़ी से इसका अमल होता है। तो मेरी आप लोगों से फिर एक बार अदबन गुजारिश है कि आप तमाम महकमेजात का, खुसूसकर पुलिस के तमाम जिम्मेदारान सड़कों पर रहकर 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हमारा बंदिया का अमला भी सारे इलाकों के अंदर जो भी अद्वियात का छिड़काव है और कचरे की निकासी है काम कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर्स भी उनके निजामिया तिबी कॉलेज के अंदर भी या इस हॉस्पिटल में भी इन मरीजों को, जो फर्स्ट स्टेज के मरीज़ हैं, उनको ला कर रखा जा रहा है। ये लोग भी रात और दिन यहाँ पर आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं और सफाई का खसूस का बड़ा अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरी आवाम से ये गुजारिश है कि आप अगर 15 दिन अगर इस पर सख्ती के साथ अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मर्द कार्ड होल्डर्स हैं उनको तो अनाज दिया जा रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल मुस्तैफ हैं, बाद मुतवसित तबके के भी ख़ानदान के ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए शर्म महसूस करते हैं, और जिनके पास वैड राशन कार्ड नहीं है, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड कहलाया जाता, पिछले 3 साल से नहीं दिया जा रहा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हुकूमत के पास लाखों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं, बेचारे वो लोग भी काफ़ी सफ़र हो रहे हैं। तो मेरी हुकूमत से ये अदबन गुजारिश है कि उन लोगों का भी ख्याल करें, और खुसूसकर जो गरीब लोग जो रात और दिन मेहनत मजदूरी करके हमारे ठेला बंडी वाले, हमारे रिक्शे चलाने वाले और छोटे छोटे काम करने वाले हमारे जो मजदूर हैं, वो बेचारे बड़े बुरी तरीके से मुतासर हो रहे हैं। शहर हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से भी हम जिस हद तक मुमकिन कोशिश करते हैं, अजनास की भी तकसीम कर रहे हैं और खाने के पैकेट भी तकसीम किए जा रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से अहले खैर हजरात भी काफ़ी अनाज तकसीम कर रहे हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसके बावजूद भी 60-70% गरीब लोग काफ़ी परेशान हैं। सिर्फ 5 किलो चावल या 8-10 किलो चावल देने से उनका गुजारा होना मुश्किल है, क्योंकि और भी बहुत सारे ज़रूरी अशिया हैं जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ना कुछ रोज़ ना खांसी होती, बुखार आता, किसी किस्म की बीमारी होती, उनके लिए भी अद्वियात की ज़रूरत होती है और बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। मेरे खुसूसकर मिनिस्टर साहब से मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इन दवाखानों के अंदर जो दीगर इलाके के जो खानगी और गवर्नमेंट के भी हाथ पड़ रहे हैं, इन दवाखानों में अगर नॉर्मल पेशेंट को भी ले जाया जा रहा तो वो लोग वहाँ पर उनका एडमिट नहीं कर रहे हैं। उनका अखलाकी फरीजा तो ये होना चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर ट्रीटमेंट अगर उनके हॉस्पिटल में नहीं होता तो कम से कम उनको एक एडवाइस देना चाहिए कि आप फलाने हॉस्पिटल को जाकर अपना इलाज करवाइए। गेटों से ही उनके जो भी सिक्योरिटी के जो भी स्टाफ है, गेटों के पास से ही उन मरीज़ों को वहाँ से बढ़ा दे रहे हैं, चूँकि सुबह से शाम तक इस किस्म के हज़ारों कंप्लेंट्स आ रहे हैं। और मेरी पुलिस से अदबन गुजारिश है कि आप लोग जो गाड़ियों को रोक रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसकी कोई तायद नहीं करता, मैं बल्कि खुल के बोलना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल उनके साथ सख्ती से अमल करिए, लेकिन
जो मुस्तैक लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, आप उनको थोड़ा सा कंसिडर करिए, क्योंकि गरीब लोग अपनी जरूरियात के लिए जो लेडीज को बिठा के निकल रहे हैं, आप दो आदमी का लुजूम तो लगाए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी महसूस करिए कि वो लोग किस मकसद से अपने घर के बाहर निकल रहे हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि वो किसी ज़रूरत के खातिर अगर निकल रहे हैं, तो आप ऐसे केसेस को कंसिडर करना चाहिए। फिर एक बार मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि आप उस पुराने शहर के अंदर अजनास की तकसीम के अलावा भी इससे हटकर आप अगर कोई रस्मी अगर मंजूरी देकर इन गरीब मुस्तहिकिन को अगर मदद करें तो बड़ा अच्छा होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ना ना हो ना, तो मारे डॉक्टर से होना सर।